ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस से भंग हो गया है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 महीने की सरकार को भ्रष्टाचारी बताया है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया कि 90 दिन में शांत था, क्यों? क्योंकि कोरोना का प्रकोप था, लेकिन मैं मैदान में उतरा हूं, कांग्रेस को जवाब दूंगा। श्रद्धेय उमावासी जी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा है और आज भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद लूं। पिछले बार जब मैं भोपाल आया था तो बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम रहे थे, इसलिए इस बार भोपाल आते ही मैं इनके निवास पे पहुंचा हूं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। और सदैव उमा भारती जी ने, चाहे मेरी दादी हों, मेरे पूज्य पिताजी हों, सदैव वे साथ रहे हैं और आज उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सरकार भी अब होटल में कैद हो रही है, राजस्थान की सरकार को लेकर क्या बोलेंगे? राजस्थान मैं केवल यहाँ आया हूँ श्रद्धेय उमा भारती जी से मिलने के लिए, मैं उसी पर। सर, सभी समाज और सभी वर्गों का मोहभंग हो रहा है, कांग्रेस से लोधी समाज के विधायक भी शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, इस तरीके से हर वर्ग। अब ये कठिनाई क्या है कि आप लोग इस देश को धर्म और जाति में आप तोड़ रहे हो। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी प्रदेश की जनता का मोहभंग हो गया है कांग्रेस से, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, इनको चिंता हो रही है पोर्टफोलियो का विभाजन। जब ये सत्ता में थे 15 महीने तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैं इसलिए मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन मैं चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया। खत्म कर रहे हैं सर, आपको लगता है ये ओल्ड आर्ट जो है वो कह रहा है? कांग्रेस अपने आप को ही पूर्ण रूप से जिस दिशा में आज कांग्रेस जी परिवार की गुलाम दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इतना ही कहूंगा कि प्रदेश का भविष्य शिवराज सिंह जी के हाथों में और देश का भविष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के हाथों में।